तो एक बात और मुझे बतानी है गाइस, मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए मीरा रोड में। तो मीरा रोड में मैं कहाँ पे आने वाली हूँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज जा रही हूँ डिमांड थोड़ा राशन भराने के लिए। मैंने बकरीद में सॉरी बकरीद का भरा रही हूँ, रमज़ान में मैंने जो राशन भराई थी ना, बहुत लोग बोलते इतना सारा राशन, इतना सारा राशन। जो मैंने रमज़ान में भराई थी राशन, वो राशन मुझे अभी तक का चला है ना, 2 महीना हो गया, बराबर 2 महीना हो गया, वो राशन मेरे को अभी तक का चला और अभी भी है मेरे पास में, खत्म हाँ नहीं हुआ वो राशन। खाली थोड़ी बहुत ही चीज ही खत्म हुई है, वही थोड़ी बहुत चीज लेने में मैं चली जाऊंगी और डिमांड जाने वाली हूँ मैं। जैसे कि अभी बकरा ईद नजदीक आ गई है, इंशाल्लाह मैंने सोची थी कि 2 बकरे 3 बकरे लेके आऊंगी घर के, मगर मेरे हाथ का ऑपरेशन होने की वजह से मैं एक ही बकरा लेके आ रही हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे सिवा घर में काम करने वाला कोई नहीं है। अभी आसिफ हो गया, मेरे हस्बैंड हो गया, मेरे बच्चे कितना काम करेंगे? और जिस घर में कुर्बानी होती है उस घर में बहुत सारा काम रहता है, और एक लेडीज ही वो काम को संभाल सकती है। अब बराबर मेरे हाथ में लगे हैं टाके। आज जुमेरा था, आज जुम्मा था और आज टाके खुलने वाले थे। तो आज डॉक्टर जो है फ़ोन किया, तो डॉक्टर गए छुट्टी के ऊपर, तो मेरे टाके अभी मंडे के दिन खुलेंगे। तो अभी टाके खुलेंगे तो उसके बाद में तो 1 या 2 दिन तो मुझे काम नहीं कर सकूंगी, का दर्द होगा। फिर भी अल्लाह का इतना मेरा एहसान है कि मेरा अल्लाह ताला मेरे को इतनी ताकत देते हैं कि मैं अभी भी टाके लगे हुए तो भी मैं अपने घर में खाना वगैरह पका रही हूँ, काम कर रही हूँ, है ना बराबर। फिर। हाँ और ये कहना चाहती थी, तुम्हारा गोलू मोलू है ना जो बकरों का डॉक्टर, उसकी तबीयत जरा खराब है, जरा वरना वो उल्टी कर रहा है। रोज सुबह में ना नाश्ता करने के बाद में उसको उल्टी होती है, ऐसा कर 6-7 दिन से ऐसा कर रहा है वो। और दोपहर का खाना, रात का खाना खाता है तो उसको उल्टी नहीं होती है, वो सुबह का नाश्ता कर रहा है ना उसका उल्टी होती है, तो उसको हाई एसिडिटी हो गई है। तो वही उसको लेके गई थी गोदरेज बताने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको एसिडिटी ज़्यादा हो गई है पेट के अंदर। अब बाहर की चीज़ें कितना खाता है वो, कितना मना करती उसको सुनता नहीं है, उसको बर्गर, उसको पिज़्ज़ा, उसको चाइनीज, उसको नूडल्स, उसको मंचूरियन, उसको मोमोज, शोरमा शोरमा, ये सब चीज़ खाने की इतना उसको, हर एक एक दिन एक एक चीज़ खाएगा वो। खाना अच्छी बात नहीं है, मैं बोलती हूँ मैं घर में इतना सब बनाती हूँ घर का खाने का, बेटा नहीं बाहर का ही उसको पसंद आता है। आज मारी भी हूँ उसको, इतना मैंने मारी हूँ, मैं बोली अगर देख रिपोर्ट में कुछ भी आएगा ना तेरे को और मारूंगी पकड़ के, है ना। तो अभी मैं जाने वाली हूँ, अभी देखती हूँ कल आपको उसका ब्लॉग बनाऊंगी उसका पूरा। हाँ तो डॉक्टर ने बोली कुछ चेकअप लिख के दी, तो मैंने डॉक्टर ने को बोली मैडम है ना इसका ना फुल बॉडी चेकअप दो मुझे, एक ही बार पूरा चेकअप दे दो, क्या सभी मुझे मालूम पड़ जाएगा ना क्या तकलीफ है मतलब क्या। पूरी बॉडी चेकअप अशरफ की। हाँ अशरफ की पूरी बॉडी चेकअप दी मैंने, गोदरेज में ही कर रही हूँ। मैंने कितना लिया, 6,000, 6,500 रुपये लिया फुल बॉडी चेकअप का। अभी कल सुबह में उसको लेके जाऊंगी तो आप ब्लॉग बनाऊंगी, देखना कैसा होना, खून निकालने में ये करने में चिड़चिड़ा है वो, होता है ना जाती। हाँ तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं डिमांड के लिए, जो थोड़ा बहुत सामान है वो लेके आते हैं। और ये हमारा शेरा देखो, ए शेरा शेरा इधर आ, इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, आ जा ऊपर, देखो कैसा आता, आ जा ऊपर, आ जा आ जा आ जा, ये देखा, आ जा आ जा आ जा ऊपर, चल ऊपर चल, अच्छा रुक रुक रुक, ये बंद मारा ना, नहीं जल चल नहीं, ए आया इधर आ, बैठो 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 बैठो, हां बैठो ऐसे बैठो, ए नाना चल ना, ए चल ना, काम काऊआ काऊआ, हां तू भाग भागता ना बहुत, तू बहुत भाग भागता ना, हां वो आवारा बिल्ले लोग के जैसा आवारा बनेगा, आवारा बिल्ला बनेगा तू। चुनू मेरा चुनू, इधर 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 जा, पटक 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 पटक, माता पटक माता माता माता, हाँ दे हाँ दे, सेकंड दे सेकंड दे सेकंड दे सेकंड दे सेकंड दे सेकंड दे, अच्छा चलो उसका ले वाला, ये वाला हाँ, बाय वन गेट वन है वो, हाँ ये वाला, हाँ वही वाला क्लीन, हाँ ये वाला दो ले लो, कौन सा है पर है? हाँ फिर ऐसे कुछ खाता Thank you.
उधर का मैंने तो अच्छा रखता है। तो क्या ले रहे हैं मैं मसाला, ये क्या है धनिया, धनिया कितने का है? 105 रुपया 400 ग्राम। धनिया भी अलग अलग क्वालिटी है, ये 400 ग्राम वाला है, ये 200 ग्राम वाला है, 90 रुपया 90 रुपये का 56 है, 56 से 56। ये क्या लिए? बड़ी सोप। हाँ बड़ी सोप के भी ये छोटा वाला है, 100 ग्राम वाला ये ऊपर ऊपर, हाँ तो 200 ग्राम वाला है, 69 53। तो ये लो ये सस्ता है, हाँ ये अच्छा। तो इसका नीचे इधर से उठाए कैसे से उठाए? बड़ी सोप पाउडर है ये, हाँ ये भी बड़ी सोप है, बड़ी सोप लखनवी है और ये सिर्फ बड़ी सोप है। ये लो ये, हाँ ये 69 की है, ये वाले 53 की है। हाँ तो 100 ग्राम वाली बस हो गई ना, और इधर कुछ मसाला, दलिया, लौंग, काली मिरी, ठीक है, बादियाम फूल एक ही जगह है, उधर ही है बादियाम फूल और नहीं है, थक दो हाँ रॉक सॉल्ट काला नमक वो आमचूर पाउडर है। ये क्या लिया मम्मी? जेवंत्री लगते हैं ना बिरयानी में भी, बकरी दाल ये तो लगेगा, और दालचीनी ली है ना, दालचीनी है, जीरा है, काली मिरी, लौंग भी है, इलायची, इधर पाउडर है देखो सर, जीरा पाउडर ले लो, हल्दी पाउडर, हाँ एवरेस्ट का हल्दी पाउडर ले लिया मैंने, हाँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ले लिया मैंने, अदरक पाउडर, चाट मसाला, टी मसाला, जीरा मसाला, ये क्या है तुम हाथ रखे वही है, हाँ जीरा पाउडर, हाँ जीरा पाउडर डिलक्स, तीन किलो बस और नहीं। क्या पे अभी हमने सनरिच का सनफ्लावर ऑयल लिए 103 रुपये एक लीटर, और ये गोवर्धन का घी, डब्बा लो ना डब्बा, डब्बा रखा है गोवर्धन का घी, प्यार का रंग। तो गाइस हम लोग की शॉपिंग हो चुकी है, अभी डीमार्ट से ले लिया हम लोग ने जो ज़रूरत का सामान था बकरीद में लगने वाला, यहाँ पे मैं और मम्मी खा रहे आइसक्रीम, और ये बहुत पिघल रही है फटफट है ना मम्मी। तो चलिए गाइस मैं आ चुकी हूँ डिमांड से, मैंने थोड़ा बहुत सामान डिमांड से खरीदी, और फिर मुझे कुछ सूखे मसाले चाहिए था, तो वो मसाले जाके पाउडर मसाले मैंने हमारे विक्रो जी से ली, कांदा वगैरह लेना था वो भी मैंने मेरे विक्रो जी से ली है ना। हाँ। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या चीजें ली हूँ डिमांड से, और क्या क्या चीजें ली हूँ हमारे विक्रो जी से।
मतलब हमारे इधर है ना बराबर। तो सबसे पहले मैं शक्कर पे आती हूँ, शक्कर की गोनी इधर पे रखी हुई है, इधर आपको थोड़ा सा उठा के। हाँ बस बस शक्कर ली हूँ मैंने, शक्कर कितना ली 5 किलो ही मैंने शक्कर ली, ज्यादा नहीं ली क्योंकि मेरे पास पहले तो शक्कर रखी हुई थी, मैंने जो रमजान में भराई थी वही सामान अभी तक खत्म नहीं हुआ। और ये डिमांड से ली शक्कर मैंने, और ये 5 किलो मैंने कांदा ली क्योंकि पहले का भी कांदा थोड़ा सा रखा हुआ है, तो मैंने बोली 5 किलो बस हो जाएगा क्योंकि बारिश का टाइम है, कभी कांदे खराब भी हो सकते हैं। उसी के साथ में मैंने यहाँ से डिमांड से ये ली हूँ अमूल फ्रेश क्रीम, ये क्योंकि अभी रेसिपी बनाऊंगी तो ये लगेगा ही मुझे। उसके साथ में मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ली रेडीमेड ली, ये बाय वन गेट वन फ्री मिला है मुझे, है ना। हाँ, 50 रुपए का दोनों, 50 रुपए में दो मिला। वहाँ से नमक का पैकेट भी एक ले ली, एक मेरे पास रखा हुआ था। फिर यहाँ वहाँ से मेरे पास तेल का एक डब्बा फुल भरा हुआ था और एक डब्बा आधा था, तो मैंने सिर्फ 3 किलो ही तेल ली, ज्यादा नहीं ली। और ये घी ली मैंने, गोवर्धन घी ली क्योंकि अभी सेवई वगैरह बनाऊंगी तो लगेगा। यहाँ पर मैंने चाय पत्ती ली, ये मुझे 1 किलो की अच्छी पड़ जाती है, ये भी मैंने डिमांड से ही ली हूँ, है ना। इसको निकालो, केला आवाज कर रहा है, थैली में घुस के बैठ गया ना, बताओ केला निकालो निकालो थैली में, साफ दम घुटेगा। चलिए अभी यहाँ से चाय पत्ती का 1 किलो गई मेरे को अच्छा जम जाता है ना। ये जमीन पोछने का है, ये बाय वन गेट वन फ्री है, यानी 100 रुपए का है तो एक के ऊपर एक फ्री मिला। हाँ। यानी ये 50-50 रुपए का समझ जाओ मेरे को पड़ गया। टमाटो केचप ली मैं, ये वाला केचप लेती हूँ, कौन सा आसिफ, किसान का केचप लेती हूँ मैं क्योंकि अभी बच्चे लोग कुछ भी स्टार्टर वगैरह बनेगा तो खाते है। और ये रूम फ्रेशनर ली मैंने, ये मुझे टॉयलेट में लगता ही है, हमेशा मैं रखी रहती हूँ, ये भी बाय वन गेट वन फ्री मिला है। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर ली हूँ, ये भी बाय वन गेट वन फ्री मिला है ना सिर्फ। यहाँ का सामान हो गया। अभी मैंने विक्रोली से जाके ये कश्मीरी लाल मिर्ची ली 1/4 किलो, ये तीखी वाली मिर्ची ली 1/4 किलो। इसके अंदर मैंने एक जायफल ली जो मेरे को उधर पे डिमांड में नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मैंने इलायची ली थोड़ी सी इधर से विक्रोली से, और कबाब चीनी ली क्योंकि मुझे मसाले बनाने। ये जीरा है, ये दालचीनी है, ये बादियाम फूल है, ये जेवंतरी है, ये खसखस है, ये काली इलायची है, ये बड़ी सौंफ है इधर पे, और ये सुखी वाली मिर्ची है ना तड़के के लिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने काजू ली, बाकी ड्राई फ्रूट मेरे फ्रिज में रखे हुए हैं तो मैंने नहीं ली, सिर्फ काजू की पैकेट ली यहाँ से। और ये मैंने ली जीरा पाउडर ली क्योंकि अभी मेरे पास में टाइम नहीं है जीरा पाउडर और काली मिर्ची पाउडर घर में बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी तकलीफ है, तो ये काली मिर्ची पाउडर जीरा पाउडर ले ली। हल्दी ले ली मैंने, ये यहाँ वहाँ से ही थोड़ी सी थी मेरे पास तो मैंने थोड़ा सा ही ली। ये चिल्ली फ्लेक्स ले ली, ये बच्चे लोगों को बहुत लगता है, जब भी अंडा बनाते हैं तो उसमें डाल के खाते ही ये लोग। चाट मसाला ली क्योंकि चाट मसाला तो अभी लगेगा ही, चाप फ्राई बनाएंगे या गोटी फ्राई बनाएंगे तो उसमें चाट मसाला हम डालते ही है। ये बर्तन धोने का साबुन एक रखा हुआ है मेरे पास में पूरा बंडल, तो एक ही मैंने ली। और ये नहाने का इस टाइम पे मैंने कुछ चेंज की हूँ तो ये वाला ली हम लोग ने, है ना आते। तो ये सारी चीजें हो गई, कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं है। रमजान में ना बहुत ज्यादा शॉपिंग करना पड़ता है ना। हाँ। बकरा ईद में मैं ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं रमजान में जो करी रहती हूँ वो सारी चीजें मेरे पास में रखी हुई रहती है, तो मैं बकरा ईद में थोड़ी कमी करती हूँ, ये टाइम पे बकरे की शॉपिंग होती है। वो दिखा, और ये मेरे आसिफ ने लिया है, ये देखो ये लिया है, बोलता है इससे मैं बकरे शेरा का कान चेक करूंगा, शेरा के बाल चेक करूंगा, कहीं कुछ खराब भी रात तो नहीं है क्या क्या। ये बच्चे मेरे के पूछे इस बात, ए ले 50 रुपए का ये ले ले पागल, है ना। तो चले गाइस, अभी यहाँ पर ही मैं मेरा ब्लॉग खत्म करती हूँ। इस तरह का अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बकरा ईद की रेसिपी आपको क्लोज किचन पे देखने मिलेगी, और बहुत इस बार बहुत अलग अलग यूनिक डिश दिखने वाली मटन में। यूनिक ये टाइम पे मटन में मैं यूनिक बनाने वाली हूँ, कुछ अलग बनाने वाली हूँ, शायद ही आप लोगों ने कभी वो रेसिपी देखे होंगे, इस तरह की रेसिपी मैं डालने वाली हूँ। तो एक बात और मुझे बतानी है गाइस, मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए मीरा रोड में। तो मीरा रोड में मैं कहाँ पे आने वाली हूँ उसका एड्रेस आपको आसिफ बताएगा। मेट्रो दी रॉयल होटल है मीरा रोड ईस्ट में, अपोजिट वेलकर पेट्रोल पंप के पास। तो जरूर मुझसे मिलने आना,
और पूरा एड्रेस कहाँ पर डालेगा फिर तू? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको वीडियो के नीचे भी लिख के आ जाएगा एड्रेस और टाइम कि कितने बजे मम्मी उधर आने वाले और आप लोग मम्मी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो पक्का जरूर मिल जाना। मेरा टाइमिंग रहेगा शाम को ही मैं आऊंगी। हाँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा रोड यहाँ से काफी लंबा है। शाम को 7 के बाद ही? हाँ, शाम को 7 के बाद मैं आऊंगी और वहाँ पे कम से कम रात को 1 बजे तक का मैं रुकूंगी। बराबर, 1 से 2 बजे तक का। तो आप लोग आके मुझसे मिल सकते हैं। बराबर बराबर। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना और सब लोग आइए मुझसे मिलने के लिए। जितने मेरे मीरा रोड की यूट्यूब की फैमिली है, जितने मेरे मीरा रोड की इंस्टाग्राम की फैमिली है, आप लोग जरूर मुझसे मिलने आना, क्योंकि मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए।